तो इसका मतलब अब अपने पास एक फ्रेश सॉल्यूशन है, ये वाला सेकंड सॉल्यूशन, जिसमें आपको लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन पता है, ठीक, क्लियर। तो अब क्या बोलेंगे, फ्रॉम सेकंड कंटेनर, ठीक। अब आपको यहां पे फाइनली क्या निकालना है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। तो इसके लिए फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, टोटल प्रेशर की, ठीक है। तो फिर से यहां पहले पी टोटल निकालेंगे, तो पी टोटल का फॉर्मूला फिर से वही है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। क्या अब जो टोटल प्रेशर यहां था वो टोटल प्रेशर यहां होगा, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग होगा। क्यों, क्योंकि यहां का लिक्विड का मोल फ्रैक्शन और यहां के लिक्विड का मोल फ्रैक्शन बदल चुका है। ओके, तो इसी को तो हम लोगों ने प्राइम लिखा, लिख दिया। सो पी ए नॉट की वैल्यू तो वही है, अभी भी कितना 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ए का निकाल चुके, कितना 0.4, ठीक है, और प्लस पी बी नॉट 150, और इसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल चुके, कितना 0.6। तो इसको अगर सॉल्व कर दें तो एक डेसिमल और जीरो उड़ गया, कितना 40, और ये गया तो कितना 90, टोटल कितना 130। ये हमारा आ गया टोटल प्रेशर, कहाँ, इस कंटेनर में। अब अगर टोटल प्रेशर अपना मिल गया, सेम इसी चीज़ को फिर से रिपीट कर देंगे तो अपना फिर से नया इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो मैं सेम चीज़ इसको पुट कर देता हूँ कि इसी इक्वेशन से डायरेक्ट 1 बाय, अब क्या लिख रहे, 130 इज इक्वल टू वाई ए का मतलब क्या, अब वाई ए प्राइम निकालना है हमें, तो वाई ए प्राइम लिख दिया हमने ऐसा ही, वाई ए प्राइम डिवाइडेड बाय पी ए नॉट। पी ए नॉट की वैल्यू अभी भी क्या है, 100 प्लस 1 माइनस वाई ए डिवाइडेड बाय क्या, 150, अभी भी क्या है 150। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या पता चलेगा कि यहाँ से वाई ए प्राइम की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो अगर कॉमन ले लें तो ये ज़ीरो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करना, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो साफ, तो यहाँ कितना बचा 10, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 15 5 2 3 30, तो यहाँ कितना आया 30, तो ये क्या हो गया 3 वाई ए प्राइम और प्लस 2 माइनस 2 वाई ए प्राइम, ठीक। तो 3 में से 2 गया, बचा कितना 1, और इसको भेज दो इधर, तो कितना 30 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू कितना, ये तो बच गया 2 और प्लस क्या वाई ए प्राइम, ठीक, इसको भेज दे इधर, तो कितना 30 माइनस 26 कितना 4, तो वाई ए प्राइम इज इक्वल टू कितना 4 बाय 13, क्लियर। तो वाई बी प्राइम कितना 9 बाय 13, क्लियर है, ठीक। तो ये कहा था आपको सॉल्व करने के लिए कि दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, दोनों का एक एक मोल मिलाया, ठीक। आपको पी ए नॉट पी बी नॉट दोनों में से कोई भी डायरेक्टली नहीं दे रखा, उसके लिए एक इक्वेशन दिया और आपको बोला सेकंड कंटेनर में या फर्स्ट कंडेंसेट में वेपर फेज में क्या कंपोजिशन होगा, इसको आप फाइंड आउट करो। तो नो डाउट ये थोड़ा सा टिपिकल टफ टाइप का क्वेश्चन था, बट हमने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद फाइनली लास्ट में ये क्वेश्चन दिया, एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू आईआईटी, क्लियर। तो न्यूमेरिकल तो यहां सॉल्व हो गया बेटा, यहां पे न्यूमेरिकल अपना खत्म है, लेकिन कॉन्सेप्ट की बात सुनो कि हमने पहले क्या बोला कि पहले कंटेनर में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आई, वाई ए और वाई बी की, तो वाई ए की वैल्यू है 0.4, वाई बी की वैल्यू है 0.6। पहला पॉइंट यहां से कि क्यों वाई बी की वैल्यू ज्यादा मिली, सर दोनों बराबर क्यों नहीं मिला, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमने दोनों का अमाउंट बराबर लिया है, बट जिसका नेचर ज्यादा इवेपोरेट करने का है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होना ही होना है, क्लियर है। तो चूंकि इसका मोल इसका वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, बी का, इसलिए मोल फ्रैक्शन बी का ज्यादा आया, क्लियर। अब एक मिनट, अब इसको और थोड़ा आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहां तो ये क्लियर हो गया कि वाई ए और वाई बी बराबर क्यों नहीं है। अब जरा देखो सेकेंड वाले से इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे 9 बाय 13 की वैल्यू, तो ये लगभग 0.4
13 × 7 = 51 लगभग 0.7 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 0.7, और ये लगभग 0.3 के आसपास लिया। अब एक और डिफरेंस समझो बेटा कि सर अभी तक बी का मोल फ्रैक्शन पहले वाले चैम्बर में 0.6 है और ये 0.4 है, अगले वाले में बी वाला और थोड़ा आगे बढ़ा और 0.7 के आसपास पहुंच गया और ये 0.3 हो गया। इसका मतलब क्या, इससे तुमने क्या समझा, इससे आपने ये समझा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नेक्स्ट चैम्बर में, तो जो आपका कंटेनर है उस कंटेनर में मिक्सचर तो दोनों लिक्विड का है, बट वेपर फेज में कौन सा वाला कंपोनेंट ज़्यादा रिचर फॉर्म में आ रहा है, ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, किसका रिलेटिव कंपोजिशन हाई है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब जो ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्लियर है। तो आप क्या देखोगे, जब और अगले में जाओगे तो लगभग ये 0.8 के आसपास पहुँचेगा, और अगले में पहुँचोगे तो लगभग वो 0.85 के आसपास पहुँचेगा, छठे चैम्बर में पहुँचोगे तो 0.9 के आसपास पहुँचेगा, मान लो दसवें चैम्बर में पहुँचोगे तो यही मोल फ्रैक्शन 0.99 के आसपास पहुँच जाएगा, और 0.99 का मतलब क्या, इट इज़ टेंडिंग टू वन, और अगर टेंडिंग टू वन, अगर मोल फ्रैक्शन टेंडिंग टू वन है, इट मीन्स दैट इट इज़ गेटिंग टू बी प्योर्ड। मतलब क्या कि अगर आप कहोगे कि कोई एक लिक्विड है प्योर फॉर्म में, तो उसकी क्या कंडीशन है, यू विल से दैट इट्स मोल फ्रैक्शन मस्ट बी वन, मतलब उसका मोल फ्रैक्शन वन के आसपास होना चाहिए, 0.9999 ऐसा आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन, मतलब क्या, वो लगभग प्योर है। 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स में 10 मॉलिक्यूल मिला दिया जाए तो बोलेंगे दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, क्लियर है, तो 1 करोड़ वाले को ही मेन हम मान लेंगे। तो यही एक प्रोसेस है, इनफैक्ट एक प्रोसेस है, क्या कि आपने इवेपोरेट किया, कंडेंसेट किया, इवेपोरेट किया, कंडेंसेट किया, क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से ही दो ऐसे लिक्विड जिनका वेपर प्रेशर अलग हो या जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो, उनको सेपरेट करते हैं, और इसी मेथड को, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड को नाम दिया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। आई होप इट इज टोटली क्लियर। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील। अगर आपके पास कुछ इक्वेशंस याद है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी मैथमेटिकल ब्रेन है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा आईआईटी तब फंसाता है जब प्रॉब्लम में से थ्योरेटिकल कंक्लूजन निकाल के वो पूछ लेगा आपसे, या 2-3 चीज़ों को क्लब करके सवाल पूछ लेगा, तब चीज़ें टफ बनती हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। खैर, तो ये कम्प्लीटली हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। तो अब तक राउल्ट्स लॉ के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जनरली, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, जो भी डाउट्स होंगे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि जब किसी एक वॉलेटाइल लिक्विड में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तब जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, ठीक, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।